हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकूस किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ काठियावाड़ी भोजन। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले बना लेते हैं प्याज का सलाद। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है, उसे हम इस तरीके से काट लेंगे। तो अब ये प्याज कट के रेडी हो गई है। अब लेंगे हम एक पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा ही गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का हल्का ही पकाना है। इसीलिए अगर ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ये ज़्यादा पक जाएगी। ये देखो, ये तेल में अलग होती जाएगी। हम थोड़ा सा ही पकाएंगे इसे, कम से कम इसे 1 मिनट तक ही हम पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी मैं हींग ऐड करती हूँ। अब जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से ले सकते हो। अब जाएगा धनिया जीरा पाउडर, और अभी हम डालेंगे आमचूर का पाउडर। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, पर नींबू से ये ज़्यादा ग्रेवी जैसा हो जाएगा, इसलिए आमचूर पाउडर हो तो वो ही आप डालना। अगर नींबू डालना है तो लास्ट में डालेंगे, जब आप खाने बैठोगे तब। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे, अगर पहले ऐड कर दिया तो ऑनियन ज़्यादा पक जाएगी, इसीलिए मैंने लास्ट में ऐड किया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी भी इसे कोई भी सब्जी के साथ और रोटी भाखरी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। तो बस सारे मसाले मिक्स हो जाए इसमें, उतनी देर हम पकाएंगे। इसे भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाले जल जाएंगे। तो ये अभी पक चुका है, तो अब हम इसे ले लेंगे डिश में। अब हम बनाएंगे सेव टमाटर की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे पहले। तो ये मैं बना रही हूँ 2 लोगों की सब्जी। तो ये टमाटर सारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच जितना ऑयल। मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म हो गया है, इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जितनी राई। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच जितना जीरा, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने काट के रेडी रखे हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो अभी कर लेते हैं सबको मिक्स। अब ये टमाटर हमें अच्छे से पकाने हैं, तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। वापिस कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की चटनी। इसमें लहसुन और लाल मिर्च पाउडर दो ही है, तो ये मैं रेडी रखती हूँ। और अब हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच जितना मैंने इसमें ऐड किया है। आप ये अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो ये स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना इस टाइम पे। तो सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि ये टमाटर पक जाएंगे उसके बाद ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी हम थोड़ी देर पकने देते हैं टमाटर को, ताकि ये ग्रेवी भी गाढ़ी बन जाए। तो ये देखो टमाटर पक गए हैं, दिख रहा है अच्छे से कि ये टमाटर अच्छे से पक चुके हैं।
एकदम ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने इसमें ऐड किया है आधे से थोड़ा ज़्यादा ग्लास पानी। अब करेंगे मिक्स। अभी जो गुजराती का बेस्ट होता है वो है मीठा, तो गुड़ डालेंगे इसमें। अभी मैं ये छोटा टुकड़ा ऐड कर रही हूँ, बाद में चख के हम डाल देंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप कम डालना, वरना ज़्यादा डाल देना, क्योंकि गुजरातियों में तो ज़्यादा मीठा ही खाते हैं, इसीलिए मैं तो ज़्यादा डालती हूँ। ज़्यादा मतलब खट्टा मीठा होना चाहिए। अब हम इसे उबलने देते हैं, 1 मिनट तक उबलने देंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और गुड़ भी अच्छे से पिघल जाए। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। अभी भी थोड़ा मुझे ये खट्टा लग रहा है, तो अभी मैं वापस इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करूँगी। तो अभी मैं वापस थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। आप इस टाइम पे चख के अपने हिसाब से डाल सकते हो गुड़। तो ये देखो अच्छे से उबल रहा है। अच्छे से उबलने दोगे तो ग्रेवी इसकी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बन जाएगी। कर देते हैं गैस को बंद और हम डालेंगे सेव। गैस को बंद करके हमें सेव डालनी है, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही सेव डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं ऊपर से डालूँगी ताकि ये सेव फूल जाती है इसमें, इसीलिए हम गैस बंद करके ही सेव डालेंगे। और आपके घर पे जब भी कोई गेस्ट आने वाले हो तो ये सब्जी आप लास्ट में बनाना, वरना ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सेव पानी पी जाता है पूरा। ये जैसे जैसे ठंडी होगी तो सेव उसके अंदर मिलती जाएगी। तो ये देखो सेव टमाटर की सब्जी रेडी है, और साइड में बन रही है भाखरी। भाखरी की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, मैं लिंक डाल दूंगी। तो अभी हम इसे प्लेट में ले लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखो सेव भी कैसे अच्छे से फूल चुके हैं, और थोड़ी सी ग्रेवी है उसके लिए हम ऊपर से थोड़ी सेव डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये गुजराती थाली रेडी है, सेव टमाटर की सब्जी, प्याज का सलाद जिसे गुजराती में डूंगड़ी नु खारियू ऐसा बोलते हैं, और साथ में छाश, गरमर और मरचू। वाह भाई वाह। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और ये काठियावाड़ी भोजन का आनंद लीजिए। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब करके भी जाना और कमेंट भी कर देना।